आज हमारे पास है वीवो का Y91 मॉडल और ये डेड कंडीशन में है। कस्टमर ने बताया कि गिरने के बाद ये ऑन नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। तो फटाफट इसको खोल लेते हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक पेस्ट कैसे हटाते हैं, CPU EMMC किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, DC रीडिंग जो थी इसकी वो 0.10 थी, यानी कि 0.10 एम्पियर, और ऐसी कंडीशन में CPU EMMC ही ख़राब होते हैं। और चार्जर की जो रीडिंग थी 6 पोर्ट चार्जर की वो 0.0 एम्पियर शो कर रहा था, यानी कि कोई एम्पियर नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर मैंने CC पत्ते को खोल करके देखा तो या तो किसी ने ये चेंज कर रखा है, वाटर डैमेज था ये, या फिर ऑलरेडी वाटर डैमेज है, ये ख़राब है जिसकी वजह से ये एम्पियर नहीं ले रहा है किसी भी प्रकार के। तो इसको हम बाद में रिपेयर करेंगे, पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं क्योंकि बैटरी चार्ज थी यहाँ पर और 3.7 वोल्टेज थे इस बैटरी के अंदर। और DC से जब मैं इसको चेक किया 0.10 एम्पेयर शो कर रहा था DC रीडिंग में। यहाँ बोर्ड देख सकते हैं किसी तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा है इसमें, बैक साइड और फ्रंट साइड पे भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, पूरा क्लीन है बोर्ड। तो ड्रॉप डाउन केस में ज़्यादातर CPU EMMC की दिक्कत होती है। तो चलिए हम इसके जो शील्ड वगैरह है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। तो शील्ड मैंने यहाँ पर पहले कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन बाद में मैंने देखा वहाँ पर ब्लैक ग्लू लगा हुआ था जाली के साथ चिपका हुआ था, इसलिए मैंने कटर से इसको नहीं काटा, अदरवाइज़ कंपोनेंट निकल सकते थे। इसलिए यहाँ पर मैं असेंबली मशीन से इसको निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर और EMMC के आसपास जो ब्लैक ग्लू लगा हुआ है, अगर मैं इसको कटर से निकालता या काटता तो फिर ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती। तो इसको हम 250C हीट पर ग्लू को कट करेंगे, 250C हीट करेंगे और एयर कट लेंगे टू, और इसके बाद आराम से ग्लू यहाँ पर साफ़ हो जाएगा। तो ग्लू मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है, अब मैं इसका जो शील्ड है वो निकालूंगा। तो यहाँ पर मैंने हीट कर रखी है 350C और एयर है 2, और यहाँ पर लगभग हमें 1 मिनट लगेगा इसको निकालने में, गोल गोल घुमाते रहेंगे मशीन को। ये देखिए शील्ड हटना स्टार्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब जहाँ पर वो हट चुकी है वहाँ पे हीट नहीं करना है, जहाँ पर वो लगी हुई है उस जगह पे हीट करते हुए इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शील्ड निकल चुकी है। तो यहाँ लगा हुआ है MT6762V CPU और Skynix का EMMC है इसमें, और यहाँ है ब्लैक पेस्ट लगा हुआ, हमने हीट कर रखी है यहाँ पर 250C हीट पर ही हम जो ग्लू है वो निकालेंगे। स्क्रैपर को खींचना ही नहीं है, घिसना नहीं है, धीरे धीरे इसको क्लीन करना है। अगर आपको लगता है कि हीट ज़्यादा हो रही है तो आप कम कर सकते हैं या SMD मशीन को कुछ देर के लिए हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने मशीन हटा लिया क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था कि ज़्यादा हीट हो रहा है। फिर से हम गर्म करेंगे और स्क्रैपर ब्लेड की सहायता से ग्लू को निकालेंगे धीरे धीरे। कुछ जगह पर हमें ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो चुका है ग्लू एक साइड का, बीच में जो CPU और EMMC के बीच में ग्लू लगा था वो क्लीन हो चुका है। अब हम साइड से निकालेंगे इसी तरह से, और अब मैं वीडियो की स्पीड कर देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ग्लू जो निकालते हैं बहुत धीरे धीरे निकालते हैं, हम ज़्यादा हीट नहीं करेंगे। तो हीट आपको इतना रखना है कि शोल्डर ना पिघले, अगर शोल्डर पिघल जाता है तो फिर जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट भी निकल जाता है। और ये काफ़ी हार्ड पेस्ट था ब्लैक, और जो बहुत मुश्किल से निकला यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने बहुत धीरे धीरे इसको निकाला है, सभी कंपोनेंट के आसपास से ग्लू को साफ कर लेंगे, अदरवाइज़ कंपोनेंट निकल सकता है वहाँ पर। जब IC को निकालेंगे उठाएंगे हम तो वहाँ पर क्या होगा, ग्लू निकल सकता है, ग्लू के साथ साथ कंपोनेंट भी निकल सकता है।
अब हम सीपीयू का ग्लू निकालेंगे। जो भी कंपोनेंट आसपास लगे हुए हैं अगर उनके ऊपर ग्लू लगा हुआ है तो उसको पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे, अदरवाइज़ जब हम इसको निकालेंगे तो कंपोनेंट उसके साथ पक्का निकल के आने हैं। फिर थोड़ी सा दिक्कत होगी लेकिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कंपोनेंट निकल आते हैं, लेकिन आप अच्छे से साफ़ करेंगे तो चांसेस ये हैं कि कोई भी कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। तो जब भी हम ब्लैक पेस्ट निकालते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आसपास के कंपोनेंट को देख लेते हैं, कितने के का लगा हुआ है रजिस्टर वगैरह। अगर कोई उड़ भी जाता है या निकल जाता है तो उसको हम बाद में इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीयू निकालेंगे और यहाँ पे मैंने हीट कर रखी है 350C और एयर है 2, और हीट जो होती है सभी SFD मशीन की नॉर्मल एक जैसी ही होती है। 250C पर ग्लू निकाल सकते हैं और 350C पर कोई भी सीपीयू ईएमएमसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, पेस्ट वेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि पेस्ट डालेंगे फ्लेक्स पेस्ट डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर। और सीपीयू के को 2-3 बार पंच करेंगे, मतलब कि स्क्रैपर्स में कम से कम 2 से 3 बार इस तरह से डालेंगे और उसके बाद उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो सीपीयू निकल चुका है, अब हम ईएमएमसी को निकालेंगे। ईएमएमसी भी हमारी निकल चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आप, किसी भी तरह का कोई पैड डैमेज नहीं हुआ है और किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आया है। तो दोस्तों, ब्लैक पेस्टेड आईसी जो होती है निकालना डालना बहुत आसान होती है, लेकिन उसका जो पेस्ट होता है पैड से साफ़ करना वो थोड़ा टिपिकल होता है। तो यहाँ पर मैंने आयरन की हीट कर रखी है 350C, फ्लक्स डाल करके मैंने इसको शोल्डर जो था उसका निकाल लिया और अब मैं यहाँ पर 250C हीट सेट करके यहाँ पर ग्लू को साफ़ करूँगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, धीरे धीरे ही करना है, कोई भी पैड शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पैड निकलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि जो ग्राउंड पैड होते हैं वो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं तो उनका कोई यूज़ नहीं है, अगर कोई इस तरह से निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको साफ करते रहेंगे, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कुछ बॉलें शॉर्ट हो गई हैं, जी हाँ, इसमें कुछ बॉलें शॉर्ट हो गई हैं, तो उसका इलाज ये है कि हम शोल्डर मास्क लगाएंगे। यहाँ पर साफ़ करने के लिए मैं ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ, बैक साइड से ब्लेड को धीरे धीरे घिसेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। ये हीट मैंने 250C कर रखी है, धीरे धीरे ही इसको साफ़ करना है, शोल्डर विक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। तो लगभग ये क्लीन हो चुका है ब्लैक पेस्ट, अब हम यहाँ पे एक बार फ्लेक्स पेस्ट लगा करके थोड़ा बॉल वगैरह लेवल में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी लेवल हो चुकी है और ग्लू भी क्लीन हो चुका है। अब हम आईसीओ को साफ़ कर लेंगे, आयरन की हीट 350C कर रखी है। अब इसके बाद स्क्रैपर से इसको धीरे धीरे निकालेंगे, यहाँ ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्क्रैपर्स टाइप के जो होते हैं वो स्क्रैच डाल देते हैं आईसी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस पर शोल्डर मास्क लगा देंगे हम, ये वर्क करेगा। और ऐसा अक्सर होता रहता है जब हम आईसी को क्लीन करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से मैंने ब्लेड से इसको साफ़ किया है और उसके बाद फ्लेक्स पेस्ट लगा करके इसको साफ़ करेंगे। फ्लेक्स पेस्ट में मैकेनिक कंपनी का SD360 यूज़ करता हूँ। कुछ बॉलें ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं तो उसका इलाज यही है कि ब्लेड से उसको हल्का सा स्क्रैच कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन स्क्रैच हुई है वहाँ पर हम शोल्डर मास्क लगा देंगे और जो बॉलें शॉर्ट हो गई हैं उसके बीच में हम शोल्डर मास्क लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि वो शॉर्ट ना हो जब हम रीबॉलिंग करें। इसी तरह हम सीपीयू साफ करेंगे और यहाँ पर मैं स्क्रैपर का यूज़ ना करके ब्लेड का ही यूज़ करूँगा डायरेक्ट, क्योंकि स्क्रैपर से जो होता है वो अक्सर जो स्किन होती है आईसी की वो डैमेज हो जाती है। यहाँ पर मैं उल्टा ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, बैक साइड से हीट कर रखी है मैंने 250C और धीरे धीरे ही काम करना है। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड मैंने स्पीड कर रखी है, तो यहाँ पर साफ़ करने में लगभग मुझे 2 मिनट लगे। मैंने धीरे धीरे ही साफ़ किया क्योंकि सीपीयू जो होता है ईएमएमसी से भी ज़्यादा नाजुक होता है। आईसी को घुमा घुमा के हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू क्लीन हो चुका है, अब हम ईएमएमसी को रिकॉल करेंगे। यहाँ पर मैं अमोई इंस्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ईएमएमसी 3 और यहाँ पर शोल्डर पेस्ट यूज़ किया मैंने मैकेनिक कंपनी का 183C
और यहाँ पर मैं 2 बार रिवॉल्व करूँगा ताकि बॉल अच्छे से लेवल में आ जाए, और जो एक्स्ट्रा ऊंची उठी हुई बॉल होती हैं वो ब्लेड से मैं कट कर लेता हूँ। और जब तक बॉल ना बने ठीक से, आप जब तक रिबॉल कर सकते हैं 3 बार 4 बार। यहाँ देख सकते हैं सारी बॉलें बन चुकी हैं। अब हम सीपीयू को रिबॉल करेंगे। यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल अमोई कंपनी का, शोल्डर पेस्ट है 183C, हीट कर रखी है 250C और एयर है 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी की सभी बॉलें लेवल में हो चुकी हैं और लगभग 3 बार में ये रिवॉल्व हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिवर्सल से ऐसा होता है। आप देख सकते हैं सारी बॉलें एकदम ओके बन चुकी हैं, कोई पैड डैमेज नहीं है, कोई आईसी का बॉल जो है वो भी डैमेज नहीं है। यहाँ पर सीपी की कुछ बॉलें पैड की जो शॉट हो गई थी वो मैंने शोल्डर मास्क लगा करके उसको ठीक कर लिया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। 350C हीट है और एयर है 2। पहले सीपीयू को सेट कर लेंगे, उसके बाद ईएमसी को सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों लग चुके हैं। अब मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।